दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई टीवी सीरियल ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से टीवी पर राज कर रहे हैं और उनमें नजर आ रहे मुख्य जोड़ी को भी दर्शकों द्वारा काफी लंबे समय से बहुत पसंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर साल 2021 में कई नए सीरियल टीवी पर प्रसारित हुए हैं जिसमें हमें नई जोड़ियां देखने को मिल रही हैं, जिनके बीच की बॉन्डिंग और लव केमिस्ट्री को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। इस तरह से साल 2021 में नजर आ रही नई जोड़ियां पुरानी जोड़ियों को टक्कर दे रही हैं और इन नई जोड़ियों की वजह से उनके सीरियल की टीआरपी भी कम हो गई है और उनको दर्शकों द्वारा कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी इंडस्ट्री में इन छह जोड़ी से रूबरू कराने वाले हैं जो साल 2021 से टीवी पर प्रसारित सीरियल में नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि करके इनके बारे में। नंबर एक, आयशा सिंह और नील भट्ट। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है आयशा सिंह और नील भट्ट का, जो स्टार प्लस पर प्रसारित सीरियल गुम है किसी के प्यार में साई जोशी और विराट सिंह की मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इनके बीच प्यार और तकरार वाली लव केमिस्ट्री और बॉन्डिंग को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी ये जोड़ी टीवी की सभी जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया है और दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। नंबर दो, गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है अभिनेता गौरव खन्ना और रूपाली गांगुली का, जो वर्तमान में स्टार प्लस पर प्रसारित सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया और अनुपमा की मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये एक अच्छे दोस्त हैं और इनके बीच की अनोखी प्रेम कहानी को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस शो की टीआरपी रेटिंग बढ़ गई है और बाकी पुराने शोज की टीआरपी रेटिंग कम हो गई है और दर्शकों द्वारा उन्हें पसंद किया जा रहा है। नंबर तीन, रोहित सूचनती और ऐश्वर्या खरे। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता अभिनेता रोहित सूचनती और ऐश्वर्या खरे का, जो वर्तमान में भाग्यलक्ष्मी सीरियल में ऋषि ओबरॉय और लक्ष्मी बाजवा की मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इनके बीच की नोकझोंक भरे प्यार को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है और इनकी जोड़ी भी दर्शकों के बीच काफी फेमस हो गई, जिसकी वजह से ये बाकी जोड़ियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर चार, शरद मल्होत्रा और हेमल इंगले। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता शरद मल्होत्रा और हेमल इंगले का, जो जल्द ही स्टार प्लस पर प्रसारित एक शानदार हिस्टोरिकल सीरियल विद्रोही में जग बंधु ने और राजकुमारी कल्याणी की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं और एक अनोखी प्रेम कहानी की खूबसूरत से पर्दे पर उतारते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए दर्शक काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी वजह से अभी ये बाकी जोड़ियों को लोग कम पसंद कर रहे हैं और इनके साथ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर पांच, राधिका मुथु कुमार और अविनाश मुखर्जी। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम आता है अभिनेत्री राधिका मुथु कुमार और अविनाश मुखर्जी का, जो वर्तमान में ससुराल सिमर का टू सीरियल में सिमर और आरव ओसवाल की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इनके बीच के लव रिलेशन को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है और इनके बीच बॉन्डिंग और रोमांटिक सीन्स को दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं और इस मामले में ये जोड़ी बाकी जोड़ियों को टक्कर दे रही है और दर्शक इन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नंबर छह, प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम आता अभिनेत्री प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता का, जो वर्तमान में उदारियां सीरियल में तेजो और फतेह सिंह की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इनके बीच तकरार और प्यार भरे रोमांटिक सीन्स को दर्शक द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है और छोटी छोटी चीजों पर नोकझोंक वाली क्यूट फाइट को भी दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जोड़ी टीवी सीरियल में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले जोड़ियों में से नंबर वन पर है और टीवी सीरियल की सारी जोड़ियों को ये जोड़ी टक्कर दे रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है साल 2021 टीवी की न्यू जोड़ियों के बारे में जानकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।